किसी हद तक ऐसा है क्योंकि बहुत अरसे की प्रैक्टिस अब शामिल हो चुकी है। अगर मैं अपनी 2008 की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे उस पर हंसी आती है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुझे उन पर हंसी आती है कि जब मैं उस वक्त कामरान खान अटेम्प्ट करता था तो वो कोई एक अजीब सी आवाज़ निकलती थी, वो कामरान खान हरगिज़ नहीं होता था। या अगर मैं उस वक्त शायद मसूद साहब को अटेम्प्ट करता था तो वो कोई अजीब सी आवाज़ निकलती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ी सी उसमें अल्लाह का शुक्र है बेहतरी के साथ बेहतरी आती है। लेकिन अभी जब सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया, वैसे तो ज़ाहिर करियर का स्टार्ट तो टीवी से हुआ, लेकिन उसको फिर चेंज करना और सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाना बड़ी कामयाबी की बात है। अब यहाँ जितनी भी आपकी वीडियोज़ आई हैं ना, उसमें एक ही वीडियो के अंदर आपको 8-10 आवाज़ों के साथ देखा गया, तो ये सिर्फ एडिटिंग का कमाल होता है या आप इकट्ठा एक साथ निकाल सकते हैं, आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले कर लेते हैं? मेरे स्टैंड अप जो यूजुअली मैं करता हूँ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ मेरे ख्याल में ये एक वो फील्ड थी जो मुइन भाई के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, स्पेशली उर्दू बोलने वालों के लिए और वो तबका जो कि पढ़ा लिखा तबका कहलाता है, उनके लिए कॉमेडी में एक मखसूस किस्म की तमीज़, अदब, लिहाज और एक बड़ा जाब्ते में बंद बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉमेडी को उस लाइन से आगे क्रॉस ना किया जाए तो। ये मोइन साहब का कमाल था, उन्होंने बहुत अरसे तक मोइन साहब ने अनवर साहब ने मिलके ये डुओ अपना कायम रखा, किसी हद तक उमर शरीफ साहब ने भी इसको एड्रेस किया, लेकिन उमर शरीफ साहब बहरहाल मोइन साहब से मुख्तलिफ रहे हैं इस हवाले से। मोइन साहब का एक अपना वो रहा है, उनके जाने के बाद वो एक वॉइड था जो फिल करना बनता था, कोशिश की कि किसी तरह से उसको फिल किया जाए, अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी हुई। मैं जब नॉर्मली स्टेज करता हूँ तो उसमें मैं तकरीबन 46-50 डिफरेंट कैरेक्टर्स अटेम्प्ट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र उसमें कामयाबी हो जाती है। जो रिकॉर्ड मैंने अब तक किया है दैट वाज 85 कैरेक्टर्स इन अ 2-आवर स्टैंड अप इन अ रॉ। अभी हमारे पास तो खैर इतना टाइम नहीं है, ज़ाहिर न्यूज़ सेगमेंट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ तो हम इसका फ़ायदा उठाएँ। बेस्ट परफॉर्मेंस जो आप समझते हैं कि जो आप बहुत दिल से करते हैं, ज़ाहिर फनकार तो हर काम अपना दिल से करता है, लेकिन वो मिमिक्री जो आपको वाकई दिल से बहुत पसंद हो। मेरे ख्याल में हर वो स्टंट जिसके ऊपर मुझे जिन साहब की मिमिक्री की गई है उनकी तरफ से सताइश आ जाए, मेरे ख्याल में वो एक मेरे लिए एक बड़ा एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें मैं अपने आप में बड़ा मुतमइन फील करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, ये काम हो गया। एक इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था, यहाँ फेज 6 में गालबन एक कॉफ़ी शॉप थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, अचानक वहाँ पे बाहर कुछ गाड़ियों की धाऊँ धाऊँ की आवाज़ आई और कुछ लोग एंटर हुए, मैं देखो उनमें खान साहब भी थे। अच्छा। और खान साहब गए उधर वहाँ पे एक टेबल पे बैठ गए, 5-6 टेबल्स जोड़ के, पूरी PTI की काबीना उस वक्त वहाँ मौजूद थी। अच्छा। कराची में कोई रैली हो रही थी, रैली के बाद वो वहाँ मौजूद थे, तो फैसल वाडा की नज़र पड़ गई मुझ पर, उन्होंने मुझे इशारा किया और मेरे पास आए और कहा कि खान साहब बैठे आओ। मैंने कहा नहीं भाई, वो बुरा लगी। जैसे ही खान साहब ने मुझे देखा वो खड़े हो गए और हमारी एक एंकर भी वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा बहुत टैलेंट है उस बंदर में, बहुत टैलेंट है, जैस्मिन जरा जरा शहबाज शरीफ बन के देखो। अच्छा। तो जैसे वो अमूमन होता है ना शादियों में माहौल होता है कि जो आंटियाँ होती हैं उनको बाज़ औक़ात अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है ना अपने किसी बच्चे के लिए, किसी मोहल्ले के बच्चे के लिए, तो फौरन किसी खातून को मुखातिब करके कहती है इसमें बड़ा टैलेंट है, जरा ये करके देखो। तो मुझे अपना आप कुछ उस खातून जैसा फील हुआ। तो मैंने जैस्मिन की तरफ देखा, सामने शाह महमूद खड़े थे, फैसल वाडा बैठे थे, अली जैदी बैठे हुए थे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपने आप को देखा, मैंने कभी यहाँ इनकार की गुंजाइश बनती थी। तो उसके बाद बैक टू बैक 3-4 परफॉर्मेंसेज हुई। खान साहब ने जब वो कहा तो मैंने शहबाज शरीफ साहब का पहले, हाँ खान साहब आपने आज यहाँ पे कराची में जो रैली की है, इस रैली पे अगर मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ मुकदमा भी कर सकता हूँ, कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा आप पे हो सकता है खान साहब, लेकिन अगर आपने कल को मुझे इस शहर से हराया और मैंने आपको सर को पिरा कर सीखा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या था? रिएक्शन खान साहब तालियां बजा रहे थे। अच्छा। इसी तरह खान साहब के सामने खान साहब की मिमिक्री नहीं की? वो भी हो चुका है। अच्छा, वो भी हो चुका है। वो भी हो चुका। अच्छा, उसके बाद इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, उस पर भी हंसे वो बहुत। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें मुझे लगा कि ये बहुत ही आज एक अच्छा काम है। चलो, यहाँ तो तारीफ होती है, बुरा कौन मानता है? सभी सभी बुरा भी मानते हैं, तारीफ भी करते हैं, बुरा भी मानते हैं। किसी ने कभी रोक के बोला कि यार ये आपने उस दिन ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ? कई दफा
मैं नाम नहीं लेना वाकया बता देखो नाम डाले नाम भी डाले वाकया भी नाम बताएं करके बता दें हम खुद हमें खुद ही पता चल जाएगा किसने ये ज्यादा हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये है कि एक साहब है एक लाइटर वे में एक साहब है पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है अच्छा हमारे साबिक वजीर दाखला भी रहे हैं अच्छा उनके साथ उनके साथ मेरा खास संबंध है खास रिश्ता है अच्छा कि मैं जब कोई एक वो करता हूँ उनका एक ट्वीट जरूर आता है उस पे कर दे फिर आवाज ये जो आपने यू नो इन अ वेरी पर्टिकुलर वे इन अ वेरी 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 सॉलिड वे मैं कहना चाहूंगा पुलिस रेंजर सिक्योरिटी एवरीबॉडी हैज गॉट वेरी 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 पर्टिकुलर स्टाइल मैं कहता हूँ ये तो एक अच्छी शुरुआत है आप देखें कराची में इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ बंदे हैं और तकरीबन 2 करोड़ कुत्ते हैं हर कुत्ते को आप एक रोटी डालें और रोटी कुत्ता पूरी गली में आपका पैरा भी देगा आपको कोई टारगेट करे तंग करे फौरन कुत्ता उसको पैर जाएगा दिस इज सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्लेस रेंजर सिक्योरिटी से बेहतर है कि आप अपने कुत्तों को कुल्लों को रोटी डालें दिस वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड हमेशा सबने अप्रिशिएट किया सभी दोस्त हैं शहजाद रॉय कभी कभार एक जुमला कस देते हैं लेकिन वो भी इंजॉय करते हैं जब क्योंकि मैं अच्छा खासा उनका रिकॉर्ड लगाता हूँ जब भी मैं अपना स्टैंड अप करता हूँ लेकिन वो कभी माइंड नहीं करते जवाद अहमद कभी कभार एक जुमला कस देते हैं वरना कभी वो माइंड नहीं करते सिर्फ यहाँ नहीं बॉर्डर पार से भी इनफैक्ट मैंने कुछ अर्सा पहले देखा सोनू निगम ने मेरा एक चंक ट्वीट किया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था हैट्स ऑफ टू दीज गाइस हालांकि उसमें सोनू निगम की मिमिक्री हुई नहीं थी वो कैलाश खेर की हो रही थी तो ये एप्रिसिएशन आती रहती है और इसमें रिएक्शन भी आता है कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो माइंड कर जाते हैं मैं उनका नाम नहीं लेना अच्छा मिमिक्री में नाम ना लें आप करके बता दें वो हम खुद वो ज़्यादा सेंसिटिव है अच्छा मिमिक्री में जो कंटेंट होता है जो डायलॉग्स होते हैं ये प्री डिसाइडेड होते हैं या फिर ये मिमिक्री करते करते बोलते बोलते फौरन आमद होती है और आप कुछ बोल देते मेरे ख्याल में मिमिक्री में अक्सर लड़के और जो आने वाला टैलेंट है वो मुझसे ईमेल भी करते हैं सवाल बार बार होता है कि मिमिक्री में हम कैसे इम्प्रूव करें तो इसमें बड़ा आसान सा हल है मिमिक्री में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए कंटेंट वेरी नाइस और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आवाज़ वैसी निकल रही है या नहीं निकल रही डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैंपेन उसकी मिमिक्री पे बेस्ड है और उसने वो एक रिवर्स साइकोलॉजी है कि उसने अपनी पूरी कैंपेन करवाई है लोगों को पैसे देके कि मेरा आप रिकॉर्ड लगाएं क्योंकि मेरा जो वोटर है वो इसको एक बिल्कुल काउंटर वे में देखता है और आप देखें कि कई लोग हैं एलेक बाल्डविन कर रहे हैं ट्रंप की भी आपने बड़ी मिमिक्री की है खासतौर पर जब हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही है मुझे वो सुननी है इसमें कोई नहीं बुरा मानेगा हाँ हाँ इसमें, कोई नहीं इसमें बुरा तो इनफैक्ट मोदी साहब की तरफ से भी जो किया था वो भी वहाँ इंडिया से भी अच्छा खासा अच्छा रिस्पॉन्स आया था अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में हुआ ट्रंप का और मोदी का कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया तो मुझे ये बड़ी सोच के हैरत होती है कि मोदी को अंग्रेजी नहीं आती ट्रंप को हिंदी नहीं आती तो आपस में बात कैसे करते हो मोदी साहब का एक प्रॉब्लम है वो बात करते हुए नेजल हो जाते हैं और नेजल होके जब वो कुछ अल्फाज अदा करते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं भारत के प्राण जितने भी विपक्ष के आभारी हैं उन सभी विजय गुणों को भारत सरकार का प्रणाम आई डोंट नो व्हाटएवर यू से I would only say that India is a huge market. You guys make a lot of babies. Like 1.5 billion of you. That's a huge number. Huge. Dekhiye, being Indian. What do you say? Being Indian. You mean being Indian? Being Indian. जो भी आप अपने विमान के उद्घाटन के विपक्ष में स्वीकार करेंगे वे भारतीय संस्कारों का निर्णय का विचय होगा जो इतना समझ आया है इतना मुझे भी समझ में आ गया हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को क्या आया होगा ट्रंप को क्या
जो ट्रांसलेटर होता था वो भी फंस जाता होगा, ये अरबी बोल रहे हैं, ये हिंदी है, ये कौन सी जबान है। एक बात बताएं, ये मोदी को कितनी बार रिवर्स कर करके आपको देखना पड़ा ये करने के लिए? मोदी को आप कभी उनकी एक वो दूरदर्शन पे उनकी तकरीरें आती हैं जो पार्लियामेंट का चैनल, आप वो कभी वो गर्दन घुमाए बगैर बात करते हैं, यूं और यूं होते हैं वो, आप वो कभी एक तकरीर सुने, वो तो बंदा प्राइम मिनिस्टर लगता ही नहीं है, वो तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है, क्योंकि वो मुसलसल वो जुमले कस रहे होते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी फवाद चौधरी की भी इंस्पिरेशन उनसे मुसलसल जुमले कस रहे होते हैं, काम की बात सारी ट्वीट आने वाली है। चौधरी को भी सुनाई दें, फवाद चौधरी देखे ना जा, अब ये गला साथ दे दो तो की बात है। अब देखें, हम तो कहते हैं ना कि ये तो ना इनको माइंड नहीं करना चाहिए, हम इश्तेहारात दे रहे हैं, इश्तेहारात क्या इनको, ये कहते हैं हमारा कोई इस पर लेना देना नहीं, इश्तेहारात जो है ना चैनल से पूरे चैनल उस पर बेस कर रहे हैं, अब आपका टैक्स पेयर का पैसा निकाल कुछ चैनलों को दे दें, इश्तेहारात को दे दें, हमारा पैसा कौन है। नहीं तो सर आपने फिर वो क्यों किया, आपने जो भी अखबार में 125 करोड़ के इश्तेहार लगा दिए, पेज पलटे आगे वो 100 हेडलाइंस, वो मैंने नहीं किया कुछ, शबाद के आज के सेगमेंट के बाद क्या क्या कमेंट्स आए हैं, ट्वीट्स आएंगे ना बहुत सारे, आज तो आने वाले आज आएंगे और इंशाल्लाह सब एप्रिसिएशन कहेंगे, घबराइए नहीं इंशाल्लाह, वो बड़ा मोहतात होकर खेल रहे हैं मैं देख रही हूँ।